हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाजार पर। दोस्तों, पीएनबी के शेयर में आज शानदार मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला है। 9% तक की तेजी इंट्राडे में इस काउंटर में आज होती हुई देखने को मिली है और 70 रुपये का जो आंकड़ा है वो स्टॉक ने अल्टीमेटली क्रॉस कर दिया है। डेफिनेटली अंडरडॉग रहता हुआ देखने को मिला था ये काउंटर, लेकिन अभी बहुत बढ़िया मोमेंटम दोस्तों इस काउंटर में रहता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इसके रिकमेंडेशंस भी आती हुई देखने को मिल रही है और लास्ट 1 ईयर में 80% के पॉजिटिव रिटर्न्स जो है पीएनबी कमा के दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को। डेफिनेटली पेशेंस का रिवॉर्ड है ये, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम फ्रेम पर तो इवन 250-250 रुपये पर भी शेयर कारोबार करता था। अभी डेफिनेटली स्कैम हुआ था, उसके लोन का थोड़ा घोटाला हुआ था, उसके चलते ये स्टॉक गिरा। लेकिन अभी डेफिनेटली एक अच्छे फेज में काउंटर ट्रेड कर रहा है, प्रॉफिट्स भी इनके ऑल टाइम हाइस पर अभी आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर अगर अपन बाजार की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में चौतरफा तेजी है, 400 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी रहता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल डेफिनेटली आज बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी तेजी थी। एंड यहाँ पर अगर अपन डे रेंज की बात करें तो दोस्तों 73 का आज का इंट्राडे हाई था एंड डेफिनेटली क्लोजिंग दोस्तों करीब आती हुई देखने को मिली है इस काउंटर की। एंड यहाँ पर अगर अपन डिलीवरी की बात करेंगे तो अब दोस्तों डिलीवरी शानदार आ रही है। कल भी 210 मिलियन की वॉल्यूम आई और आज भी 210 मिलियन की वॉल्यूम आती हुई देखने को मिली है और डिलीवरी परसेंटेज भी लगभग 28% के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो इंट्राडे बेसिस के सारे रेजिस्टेंस जो है वो स्टॉक ने क्लियर कर दिए। अब मेजरली दोस्तों जो लेवल आ रहा है वो 7310 का है, जो कल आप डेफिनेटली देखना होगा। अगर इंट्राडे हाई स्टॉक ने ब्रेक कर दिया तो चांसेस आर वेरी हाई कि दोस्तों 75 से 78 रुपये तक की जगह आपको इस काउंटर बनती हुई देखने को मिले। नीचे में मेरी यही सलाह है कि 70 रुपीज का आप इस काउंटर में परमानेंट SL रखिए। अगर 70 के नीचे स्टॉक फिसला तो डेफिनेटली गिरावट हो सकती है 68 से लगाकर 65 रुपीज तक, तो ये लेवल आप ध्यान रखिएगा। एंड ओवरऑल ब्लॉक डील की अगर बात करें तो 178 ब्लॉक डील आज इस काउंटर में हुई है, लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ देखने को मिला है और लगभग 0.75% ये काउंटर अभी नीचे ट्रेड कर रहा है अपने 52 वीक हाई से। तो ये डेफिनेटली देखना होगा कल, अगर शुरुआत में 1% की तेजी होती है स्टॉक ऊपर खुलता है, अगर तेजी सस्टेन होती है 7310 के ऊपर स्टॉक टिकता है, देन चांसेस आर वेरी हाई कि लगभग 75 से 77 तक के लेवल्स की तरफ ये स्टॉक आपको जाकर दिखा सकता है। वहीं अगर अपन बात करें दोस्तों स्टॉक के चार्ट्स की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं स्टॉक के चार्ट्स पर आ गया हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं 2017 में ये काउंटर 232 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था और उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक ने लगातार गिरावट करी है। यहाँ से आप देख सकते हैं लगभग 50s के जोन्स पर आया, फिर कंसोलिडेट किया 2020, 21, 22 और 23 में जाकर ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ये ब्रेकआउट जो आया है दोस्तों इस काउंटर में वो लगभग 4 साल का ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिला है, तो ये एक काफ़ी मीनिंगफुल ब्रेकआउट है। और अब डेफिनेटली हायर साइड पर जो लेवल निकल कर आ रहा है वो 100 रुपीज़ का लेवल निकल कर आ रहा है। एक बार फिर मैं आपको कह देता हूँ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर इस काउंटर में खरीदारी की बिकवाली करें, ये एजुकेशनल व्यू है। एंड ओवरऑल हमने चार्ज देखकर यही अभी एनालाइज किया है कि डेफिनेटली यहाँ से अगर स्टॉक में तेज़ी होती है तो 100 रुपीज़ डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में काउंटर के रिजल्ट्स पर आपको देखते हुए आता हुआ देखने को मिल सकता है। दोस्तों दैट्स इट फॉर वीडियो, वीडियो चलो तो उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दिस वीडियो।